उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे खास शहर गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 270 किलोमीटर दूर है। इस शहर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और पिछले 2500 साल में इस शहर का नाम 8 बार बदल चुका है। प्राचीन भारत के इतिहासकारों के अनुसार गोरखपुर का नाम कभी रामग्राम भी हुआ करता था, जो कालांतर में दुनिया को योग से परिचित कराने वाले गुरु गोरक्षनाथ के नाम से होते हुए गोरखपुर पर आकर ठहर गया। आपको बता दें कि गोरखपुर का मौजूदा नाम 217 साल पुराना है। गोरखपुर शहर की मुख्य नदी राप्ती नदी है। इसके अलावा यहाँ घाघरा, रोहित, कुओना नदियाँ बहती हैं। वर्तमान में गोरखपुर शहर में बहुत ऐसी जगह है जहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं, और इन्हीं में से 5 ऐसी जगह हैं जो बहुत ही खास है, जहाँ आप गोरखपुर में जाकर घूम सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर के 5 सबसे प्रमुख स्थानों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। तो सबसे पहले स्थान पर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो करीब 1800 एकड़ में फैला हुआ है और इसका परिमाप लगभग 18 किलोमीटर का है। इस ताल का केवल गोरखपुर के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6वीं शताब्दी में गोरखपुर का नाम रामग्राम हुआ करता था। उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती नदी ने दिशा बदली तो इसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आ गया। रामग्राम से ही ताल का नाम रामगढ़ पड़ा है। यह ताल गोरखपुर शहर के बीचों बीच स्थित है और इस ताल के किनारे आपको सुंदर गार्डन देखने को मिलता है और मरीन ड्राइव देखने को भी मिल जाएगा। रामगढ़ ताल में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं और यहाँ पर नौका विहार पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ पर अलग अलग बोट पर आप मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आप और भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिसका आप मजा ले सकते हैं, और यहाँ पर शाम के समय लाइटिंग जलाई जाती है और फव्वारे चलाए जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ के गार्डन में बैठ कर आप झील के सुंदर दृश्य को भी देख सकते हैं। इस झील के किनारे और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। दूसरे स्थान पर है गोरखनाथ मंदिर, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों से लोग गोरखनाथ मंदिर घूमने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में भी गुरु गोरखनाथ पूजे जाते हैं और मकर संक्रांति पर 5-6 लाख श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि ली, और उसी स्थान पर आज गोरखनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसकी भव्यता दूर से ही दिखती है और भीम सरोवर के साथ लाइट एवं साउंड शो का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। तीसरे स्थान पर है कुसमही वन, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच प्रसिद्ध बुढ़िया माई मंदिर है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। धार्मिक लिहाज से इस स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा जंगल के भीतर ही आकर्षण विनोद वन पार्क और एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। चौथे स्थान पर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। यह संग्रहालय रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। रामगढ़ ताल घूमने के बाद आप इस संग्रहालय में भी घूम सकते हैं। इस संग्रहालय की स्थापना साल 1987 में विविध तत्वों के संरक्षण के लिए की गई थी। संग्रहालय इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इनमें पत्थर की वस्तुएं, कांस्य की मूर्तियां, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, पांडुलिपियां, हाथी दांत, लघु चित्र, पंचमार्क सिक्के, धनवाद और कई अन्य चीजें प्रदर्शित की गई हैं। पांचवें स्थान पर है गीता प्रेस, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला दुनिया का प्रमुख केंद्र है। साल 1923 में जया दयाल गोयंदका और घनश्याम दास जलान ने गीता प्रेस की नींव रखी थी। इस प्रेस में पवित्र गीता, महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, विभिन्न संतों और गुरुओं की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही इन सभी पवित्र ग्रंथों का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है। कल्याण व कल्पत्रु जैसी मासिक पत्रिकाएं भी यहीं से प्रकाशित की जाती हैं। गोरखपुर जाने वाले पर्यटक हिंदू धर्म की सभी धार्मिक पुस्तकों को और ग्रंथों को यहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही गोरखपुर में 5 सबसे अच्छी घूमने की जगह जहां आप गोरखपुर में जाकर घूम सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।